आज जो फोन आया है ये आपके लिए है, मेरे लिए है और हर उस यूजर के लिए जिनको परफॉर्मेंस चाहिए। पोको एफ सीरीज का फोन ब्यूटी विद बीस्ट आ गया है। ये फोन है भाई पोको F6 5G। अगर आपको नहीं पता, पोको की जो F सीरीज है वो फ्लैगशिप सीरीज मानी जाती है, इनफैक्ट फ्लैगशिप किलर बोला जाता है। याद है द लेजेंड फोन पोको F1? ओए होए 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 होए, क्या फोन था यार वो। ये जो फोन है उसी सीरीज का फोन है। इसके फीचर्स की बात करें तो स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 प्रोसेसर है। वाह, मतलब नाम सुनकर ही सारा सिस्टम मिल गया भाई। LPDDR5X RAM, UFS 4.0 स्टोरेज टाइप है एंड ब्यूटीफुल 1.5K AMOLED बेजललेस डिस्प्ले है। इसके साथ ये फोन हाइपर ओएस के साथ आता है और ये सब चीजें अंडर 30,000 रुपीस में मिल रहा है। ओए होए होए, रहा नहीं जा रहा भाई, एक्साइटमेंट लेवल अप हो गया है। तो आखिर में ये फोन कैसा है और जो पोको F5 आया था इसका प्रेडिसर, ये सक्सेसर है, उसके कंपैरिजन में भाई इस फोन में क्या अपग्रेड है, क्या डाउनग्रेड है, सब बताएगा तेरा ये मनोज सारू। सो रिटेल बॉक्स कुछ ऐसा सा है, ब्लैक बॉक्स है, यहाँ लिखा है मेड इन इंडिया और यहाँ लिखा है पोको F6 5G और नीचे की साइड में सेम लिखा हुआ है खुल जाओ सिम सिम। इसके अंदर बॉक्स है, यहाँ लिखा है पोको, इसके अंदर क्या है? सबसे पहले भाई हमारा ये ऊ यंत्र, इसके अंदर भाई ये क्विक स्टार्ट गाइड है जिसको कोई नहीं पढ़ता, जो लोग इसको पढ़ते हैं भाई उसको 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए भाई। बाकी ये कवर है, ये भाई सिलिकॉन रबर केस है, अच्छी क्वालिटी है यार। हाँ हमारा असली फोन, ओए होए 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 होए, क्या बात है भाई, दिस लुक्स डिफरेंट यार। क्या अभी बात करेंगे इसके बारे में। बाकी बॉक्स में क्या है भाई, 120 वाट का चार्जर है, टाइप ए टू टाइप सी केबल है, तो बस भाई बॉक्स में इतना ही है। तो भाई ये कवर है, कवर के साथ एक बार लगा के देख लेते हैं, कवर के साथ बढ़िया लग रहा है ये, देखो कुछ ऐसा देखने में लगता है ये। अब बात करते हैं काम की बात, भाई बैक से कुछ ये ऐसा दिखाई देता है और फ्रंट से कुछ ऐसा। अगर मैं डिजाइन की बात करूं भाई, डिजाइन काफी इंटरेस्टिंग सा है, थोड़ा सा हटके है एंड सिंपल सा मिनिमलिस्टिक डिजाइन रखा है यहाँ पर। इसका जो बैक आप देख रहे हो ये टाइटेनियम कलर है, जो बैक है यस ये पॉलीकार्बोनेट है एंड ये मैट फिनिश है। आहा, सॉफ्ट सॉफ्ट है, मैट फिनिश दे रखा है तो फिंगरप्रिंट के निशान काफी हद तक नहीं आते भाई इसमें। एक जो भाई फोन पत्ता लग रहा है 7.8 mm इसकी थिकनेस है वैसे, तो इस फोन को आप स्लिम कह सकते हो, आप हाथ पे पकड़ते हो स्लिम फील होता है, ग्रिप अच्छी है, थोड़ा सा रफ रफ फील होता है। बाकी अगर मैं फोन की बात करूं तो भाई फोन हल्का लग रहा है, एक बार वेट चेक करते हो भाई, मेरे ख्याल से तो 180 ग्राम के आसपास होना चाहिए, 182 ग्राम है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा परफॉर्मेंस से। ओ माय गॉड, पोको F सीरीज अगर आप जनरली देखोगे तो भाई परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। अगर आपने पोको F1 देखा होगा, पोको F5 जब आया था उसमें भी सॉलिड परफॉर्मेंस आपको दे रखा था एंड उसी लीगेसी को भाई पोको F6 भी कंटिन्यू कर रहा है। इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 प्रोसेसर दे रखा है, ये एक 4nm वाला प्रोसेसर है। अगर आपको नहीं पता, ये जो प्रोसेसर है ये लेटेस्ट थर्ड जनरेशन चिप है स्नैपड्रैगन 800 सीरीज का और ये इंडिया का पहला फोन बन जाता है जो इस प्रोसेसर के साथ आ रहा है। सबसे पहले भाई आप इसका एंड्रॉइड स्कोर देखो, 1.4 मिलियन प्लस निकल के आया है, मतलब भाई 14 लाख एंड्रॉइड स्कोर, इमेजिन करो भाई। अगर आपको याद हो पोको F5 जब आया था उसका एंड्रॉइड स्कोर करीब 9 लाख के आसपास था, तो उससे अगर आप कंपेयर करते हो तो करीब 5 लाख एंड्रॉइड स्कोर ज्यादा आ रहा है इसका। तो आइडिया लगा सकते हो ये कितना पावरफुल प्रोसेसर है, तो परफॉर्मेंस के मामले में एक बिग अपग्रेड आप कह सकते हो। थ्रॉटल टेस्ट भी आप देख सकते हो भाई, 85% निकल के आया, पूरा ग्राफ ग्रीन ग्रीन है, कोई दिक्कत नहीं है। आई नो आप सभी लोग पीरो गेम प्ले का वेट कर रहे हो, तो चलो फटाफट से इसमें गेमिंग टेस्ट खेलते हैं एंड लेट्स सी हमें गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा मिलता है भाई। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वो जो नीचे लाइक बटन है ना, दबा दो यार, प्यार फैलाओ यार। सबसे पहले मैं आपको उसका ग्राफिक्स दिखा देता हूं भाई, ये देखो स्मूथ ऑप्शन है, बैलेंस है, HD है, HDR एक्सट्रीम ऑप्शन है भाई, और अल्ट्रा पे अल्ट्रा ऑप्शन है और स्मूथ पे भाई एक्सट्रीम चला जाता है। ये 90 FPS अनलॉक नहीं है फिलहाल, बट डेफिनेटली ये जो प्रोसेसर है कैपेबल है, आई होप फ्यूचर में अपडेट के जरिए 90 FPS अनलॉक मिल जाए तो मजा आ जाएगा दोस्तों। चलो भाई मैं आपको फटाफट से अपना पीरो गेम प्ले दिखाता हूं, ये देखो भाई, अरे भाई इसके जो ग्राफिक्स है चुम्मेश्वरी है यार, मतलब अगर आप ऐसे स्मूथ एक्सट्रीम पे गेम प्ले कर दो, कोई ऐसा लैग नहीं है भाई, और अरे कोई ऐसा फ्रेम ड्रॉप भी नहीं है, हमसे क्लच करेंगे, ये देखो जानते नहीं है पीरो मनोज सारू के साथ भिड़ रहे हैं, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, अरे दादा ये तो भग गया, अरे दादा दादा 4 kill हो गए भाई, लगता है आज दिन अच्छा है, पीरो गेम प्ले बढ़िया हो रहा है। ये देखो भाई जो भी क्लच कर रहा है सेकंड से पहले खत्म हो जा रहा है भाई, मजा सा आ गया यार गेम प्ले करने में। ओके, स्मूथ एक्सट्रीम पे गेम प्ले करने पे भाई ऐसे डिवाइस वगैरह ऐसा कोई हीट वगैरह भी नहीं हो रहा। अब इसके पीछे रीजन है क्योंकि पोको ने इसमें आइस लू कूलिंग टेक्नोलॉजी यूज किया है एंड ये पोको का खुद का कूलिंग टेक्नोलॉजी है। अब अगर आपको नहीं पता, इसका फायदा ये है अगर आप इसमें इंटेंस गेमिंग करोगे तो ऑफकोर्स भाई CPU GPU का बहुत ज्यादा यूज होगा, जब परफॉर्मेंस ज्यादा यूज होगा तो भाई वो हीट प्रोड्यूस करेगा, तो उस हीट को कंट्रोल करने के लिए इस कूलिंग
टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। एंड गेमिंग को थोड़ा सा बेटर करने के लिए इसमें आपको वाइल्ड बूस्ट 3.0 गेमिंग दे रखा है। एक बार चेक कर लेते भाई ज़ायरो वगैरह है या नहीं है। ये ज़ायरो पे जाते हैं, ओके ऑलवेज ऑन है और ज़ायरो का रिस्पॉन्स देखो। अरे यार तुम लोग ज़ायरो तो टेस्ट करने देते यार, मार देते पहले ही। देखो भाई ज़ायरो ऊपर नीचे रहा है भाई, भाई अच्छा है ज़ायरो का रिस्पॉन्स। भाई मजाक नहीं कर रहा, गेमिंग में जो ग्राफिक्स नजर आ रहे हैं भाई सीरियसली वाव है। 60 FPS का आपको कंटिन्यूस गेम प्ले दे रहा है, स्मूथ ग्राफिक्स है, आपको कोई लैग नहीं है, कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं है। इस फोन की जो परफॉर्मेंस है सीरियसली टॉप नॉच है। आई लव द परफॉर्मेंस एंड डेफिनेटली भाई इसके पीछे रीजन भी है। इसमें आपको जो रैम टाइप दे रखा है ये LPDDR5X रैम है, लेटेस्ट रैम है और UFS 4.0 स्टोरेज टाइप है। एंड एक बार स्टोरेज टेस्ट करके देख लेते हैं। और ये देखो स्टोरेज टेस्ट स्कोर 169,000 और ये जो स्कोर है भाई बहुत सॉलिड स्कोर है। वैसे ये फोन आपको दो वेरिएंट में मिलेगा, एक 8GB 256GB और एक 12GB 512GB। और एक बार मल्टीटास्किंग आपके सामने टेस्ट कर लेते हैं। मैं सारे ऐप्स को क्लोज कर देता हूँ। ये देखो क्रोम भाई कितना स्मूथली ऑन हो रहा है, बढ़िया है। ये एक ऐप ओपन कर देते, ठीक है, ये मैसेज ओपन कर देते और ये एक ये क्रोम ओपन कर देते भाई। तो भाई देखा जाए तो मल्टीटास्किंग बढ़िया है, जो ऐप लोडिंग है वो फास्ट है, UFS 4.0 स्टोरेज टाइप है, तो ऐप लोडिंग वगैरह मल्टीटास्किंग की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फ्रंट साइड में आपको 6.67 इंच की एक 1.5K आमोलेड डिस्प्ले दे रखा है, 120 हर्ट्ज डॉल्बी विजन डिस्प्ले के साथ, 240 हर्ट्ज प्लस सैंपलिंग रेट है और 2400 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। एंड यस ये TUV Ryzen सर्टिफाइड डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले में अगर देखा जाए लास्ट ईयर जो डिस्प्ले था पोको F5 में वो फुल HD प्लस था, उसको बढ़ा के 1.5K कर दिया है। तो यस डिस्प्ले में एक अपग्रेड कर दिया गया है, लेकिन ये एक फ्लैट डिस्प्ले है एंड डिस्प्ले लुक्स यार सो ब्यूटीफुल। एक नजर इसके बेजल्स पे देखो, ऊपर हो गया, साइड में हो गया और नीचे चिन की साइड में, चिन में बहुत ही मिनिमल बेजल्स है और जो साइड बेजल्स है वो बहुत ही मिनिमल है, जिसकी वजह से इसमें आप कुछ भी देखोगे भाई मजा आ जाएगा। ओके YouTube पे एक बार डिस्प्ले टेस्ट कर लेते हैं। HDR सपोर्ट है, 2160p पे आप वीडियो प्ले कर सकते हो। ओए होए 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 डिस्प्ले देखो भाई, क्या एक्सपीरियंस है भाई डिस्प्ले का। ये देखो आप खुद देखो, ये देखो भाई जिस तरह के कलर्स देखने को मिल रहे हैं। वैसे ये 10-bit डिस्प्ले है, 68 billion कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड लुक एट द पिक्चर क्वालिटी भाई, ऑनेस्टली बता रहा हूं इस तरह का जो डिस्प्ले एक्सपीरियंस है वो ज्यादातर फ्लैगशिप फोन्स में, प्रीमियम मिड रेंज फोन होते हैं जो, उनमें देखने को मिलता है। एक और चीज, इसमें आपको 2400 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है और इंडोर आउटडोर में इसकी जो विजिबिलिटी है उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। और फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास विक्टर से प्रोटेक्शन के लिए। तो चलो भाई एक बार ड्रॉप टेस्ट करते हैं, 1 2 3 गो। चलो भाई कुछ नहीं हुआ वैसे, एक बार बैक से भी गिराते भाई, 1 2 3 ओ, ओ भाई ये तो पूरा पलट गया। चलो भाई ठीक है, एक्सीडेंटल डैमेज से तो बचा सकता है। एक सेकंड, कुछ डेंट वेंट तो नहीं आया? नहीं कुछ डेंट नहीं है। अगर यहाँ नीचे की साइड में आपको ये सिम स्लॉट दे रखा है, डुअल सिम स्लॉट है, ये टाइप सी है, ये माइक है और ये स्पीकर दे रखा है। राइट हैंड साइड में ये पावर बटन है, वॉल्यूम बटन है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है भाई। और ऊपर की साइड में यहाँ पे स्पीकर है, आयर ब्लास्टर है और ये नॉइस कैंसिलेशन है। ओके स्पीकर, हाँ भाई स्टीरियो स्पीकर है भाई, स्पीकर क्लियर है, लाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हम कैमरे की। जो मेन कैमरा ये 50 मेगापिक्सल OIS प्लस EIS कैमरे के साथ आता है विद सोनी IMX882 सेंसर के साथ और दूसरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और ये भी सोनी IMX355 सेंसर के साथ आता है। और जो फ्रंट में सेल्फी है ना ये 20 मेगापिक्सल की है। कैमरा सेटअप को अगर आप पोको F5 से कंपेयर करते हो तो इस बार बेटर सोनी सेंसर यूज किया गया है। चलो एक सेल्फी लेके देखते हैं भाई पहले। भैया जी स्माइल, क्या बात है भाई, स्किन टोन ये वो काफी नेचुरल रखा है। हाँ थोड़ा सा यहाँ पे ब्यूटीफिकेशन यहाँ पे कर दिया है, डिटेल्स तो है, हल्का सा सॉफ्ट कर दिया है सेल्फी। स्किन टोन मुझे अच्छा लगा यार, मतलब प्यारा है, बैलेंस है, ऐसा सैचुरेटेड नहीं है। टी शर्ट का कलर भी इसने काफी नेचुरल रखा है, बैकग्राउंड में डेप्थ देखो भाई बहुत अच्छा है। चलो भाई एक मेन कैमरे से फोटो लेके देखते हैं। ये नॉर्मल मोड है, इसमें आपको 0.6 मिल जाता है, 1x ऑप्शन है, ये 2x है, 1x पे लेते हैं और एक ये 2x। ये देखो भाई कुछ मेन कैमरे से फोटोज लिए हैं। ये देखो जो ह्यूमन सब्जेक्ट है यहाँ पे स्किन टोन देखो भाई, छोटी छोटी डिटेल्स से कैप्चर कर लेता है, स्किन टोन में काफी अच्छा दिया है। एंड बैकग्राउंड का अगर आप लाइट को देखते हो काफी वेल बैलेंस रखा है इसने, 1x में भाई फोटो ठीक ठाक बढ़िया आ जाते हैं भाई। अरे ये पोर्ट्रेट मोड है, पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन भाई बढ़िया कर लेता है, मतलब स्किन टोन भाई काफी न्यूट्रल रखा है। अगर आप जूम करते हो डिटेल्स भी अच्छी है यार, मजा आएगा मतलब फोटोज देख के। इसके अलावा कुछ और ये फोटोज देख लो सामने स्क्रीन पे, ये इसी के कैमरे से सेल्फी कैमरे से क्लिक की गई है, आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह के फोटोज क्लिक करता है। ओवरऑल मैंने इसके कैमरे को जितना भी क्विकली टेस्ट किया है ना, लास्ट ईयर पोको F5 के कंपैरिजन में डेफिनेटली एक अपग्रेड है, स्लाइटली बेटर कैमरा आपको फील होगा। 5000 mAh की इसमें बैटरी है, 90 वॉट का टर्बो चार्जर सपोर्ट करता है, वैसे बॉक्स में आपको 120 वॉट चार्जर मिलता है। तो पोको F5 के कंपैरिजन में चार्जिंग में भी एक अपग्रेड कर दिया गया है, लास्ट ईयर 65 वॉट का चार्जर था पोको F5 में, उसको बढ़ा के 90 वॉट कर दिया है। बाकी अगर हम फोन में जाते तो Xiaomi का हाइपर OS है और ये बेस है भाई Android 14 पे और इसके साथ आपको 3 साल का मेजर Android अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा।
कनेक्टिविटी की बात करो तो वाईफाई 6 है, ब्लूटूथ 5.4 है, 15 5G बैंड्स है एंड यस डुअल बैंड वाईफाई सपोर्ट है। और एक और चीज, IP64 सर्टिफाइड भी है ये फोन। और यस, इस फोन में AI फीचर्स भी दे रखे हैं, जैसे कि AI एक्सपेंशन हो गया, AI बोके इफेक्ट हो गया, AI मैजिक इरेजर प्रो होगा, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, इस सारे AI फीचर्स है इसमें। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो प्राइसिंग का भी मुझे पता नहीं है, लॉन्च से पहले वीडियो शूट कर रहा हूं, तो जहां तक मुझे लगता है भाई ये फोन अंडर 30,000 रुपीज में आएगा। एक्जैक्टली पता नहीं है भाई, जो भी एक्जैक्ट प्राइस है, ऑफर है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन ओवरऑल अगर मैं इस फोन की बात करूं तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, यानी पोको F5 से कंपेयर करते हो, डेफिनेटली कुछ कुछ अपग्रेड है। जैसे कि सबसे पहला परफॉर्मेंस में वाव, एक बिग अपग्रेड बोल सकते हो आप, टॉप नॉच परफॉर्मेंस है। दूसरा, डिस्प्ले में एक अपग्रेड है, पहले फुल एचडी प्लस डिस्प्ले था, उसको बढ़ा के 1.5K डिस्प्ले कर दिया है। एंड डेफिनेटली कैमरे में भी आपको एक अपग्रेड फील होगा, जो सेंसर यूज किया गया है वो बढ़िया है, उसको बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज भी कैमरे में कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं, फोटोज अच्छे आते हैं भाई, बढ़िया। सो सिंपल में कहना भाई, दो चीजों में ये फोन स्टैंड आउट करता है अपने सेगमेंट में। एक है परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, बोले तो भाई चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस है। जो स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 प्रोसेसर भाई, मतलब इसको टेस्ट करके भाई मजा सा आ गया। परफॉर्मेंस आपको टॉप नॉच फ्लैगशिप टाइप एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है। एंड दूसरा, डिस्प्ले ब्यूटीफुल बेजललेस डिस्प्ले है, और भाई सेगमेंट में स्टैंड आउट डिस्प्ले कह सकते हो उसको आप। मतलब जिस तरह का इसमें आपको मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस मिलेगा ना, वो एक फ्लैगशिप लेवल का कह सकते हो। तो सिंपल में एक लाइन में कहना हो, अगर आपको टॉप नॉच परफॉर्मेंस और ब्यूटीफुल डिस्प्ले चाहिए, देन दिस फोन इज फॉर यू। आई एम हाईली इंप्रेस्ड विद द परफॉर्मेंस, बस प्राइस अच्छी आ जाए, एक सॉलिड प्राइस आ जाए, मजा आ जाएगा भाई। बाकी आप बताओ भाई, आपको फोन कैसा लगा? अगर आप पोको F5 यूज कर रहे हो, अभी तक आपका एक्सपीरियंस कैसा है, नीचे कमेंट करके अपने ओपिनियन फीडबैक जरूर दिया करो, वेरी इंपॉर्टेंट यार। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, मिलता हूं मैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।